नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, कहा आतंकियों को पनाह देना बंद करे पाक। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई मुलाकात में रक्षा और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर हुई चर्चा। तीसरे चरण के लिए पीएम नीदरलैंड्स रवाना। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन ग्लोबल आतंकी घोषित, अमेरिकी विदेश विभाग का फैसला, कश्मीर में आतंकी वारदातों के लिए माना जिम्मेदार। यात्रा प्रतिबंध आदेश पर डोनाल्ड ट्रंप को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक तौर पर दी मंजूरी, कहा अमेरिका से नहीं जुड़े लोगों पर लागू होगी पाबंदी। सिक्किम में भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिक, भारतीय बंकरों को किया तबाह। सीमा पर जारी तनाव के बाद चीन ने बंद किया कैलाश मानसरोवर जाने वाला नाथुला पास। ब्रिटेन में टूटी 300 साल पुरानी परंपरा, बंकिंघम पैलेस को मिली पहली महिला हेड गार्ड, कनाडा मूल की सैनिक कैप्टन मेगन काउंटो को सौंपी गई कमान। और चीन के कई इलाकों में बाढ़ का कहर, अब तक गई 28 लोगों की जान, 16 लोग लापता। बाढ़ प्रभावित इलाकों से 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।